नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है जीपीएस क्लास एकेडमी में। आज का अध्याय है संधि। संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद संस्कृत में संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है असंधि, जिसको हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग, विसर्ग संधि को हिंदी में विसर्गी कहते हैं। बात कर लेते हैं पहले भेद की। असंधि असंधि की परिभाषा। असंधि की परिभाषा दो स्वरों के मेल को असंधि असंधि कहते हैं। जैसे पहले स्वर वर्ण और पीछे स्वर वर्ण दोनों को मिलाकर वर्दी हो गई आ। अब असंधि के भेद हैं अब आप देखते हो कि असंधि के भेद कई जगह सात होते हैं, कई जगह आठ होते हैं, लेकिन हम संस्कृत में पूरे भेद पढ़ेंगे आठ। संस्कृत में असंधि के आठ भेद होते हैं, आठ भेद होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है यण संधि, इसका सूत्र है इको यणची। दूसरे नंबर पर है अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो आए वायावे। तीसरे नंबर पर है गुण संधि, तीसरे नंबर पर है गुण संधि, सूत्र है आदिगुण। चौथे नंबर पर है वर्दी संधि, सूत्र है वर्दी रेची। पांचवें नंबर पर है दीर्घ संधि,
सूत्र है अक है सवर्ण दीर्घ। सूत्र है एन पदांत। सातवें नंबर पर है पररूप संधि। सूत्र है एनह पदांत, एनह पदांत तति। आठवें नंबर पर है प्रकृति भाव संधि। सूत्र है आदेशो भाव, आदेशो भाव। ये हमारे असंधि के भेद हैं। संस्कृत में असंधि के आठ भेद हैं। कई कई जगह पर आप देखते हो कि सात भेद भी होते हैं, पांच भी होते हैं, लेकिन हम असंधि के पूरे भेद पढ़ेंगे। आठ के आठ। एक नंबर पर यण संधि है, दूसरे पर अयादि है, तीसरे पर गुण है, चौथे पर वर्दी है, पांचवे पर दीर्घ है, छठवें पर पूर्व रूप है, सातवें पर पररूप है, आठवें पर प्रकृति भाव संधि है। ये इनके सूत्र हैं। इको यणची यण संधि के, अयादि संधि का एचो अय वायाव है, गुण संधि का आदगुण है, वर्दी संधि का वर्दी रेची, दीर्घ संधि का अक है सवर्ण दीर्घ है, पूर्वरूप संधि का एन है पदांत है, पररूप संधि का एन पदांत थी, प्रकृति भाव संधि का आदेशो भाव है। यह सूत्र है। अब एक नंबर पर हमारी संधि यण संधि। एक नंबर पर है यण संधि। सूत्र है इसका इको यणची। यह सूत्र क्या करता है यह आपको हम विस्तार से बताएंगे। यह सूत्र एक वर्ण के स्थान पर, एक वर्ण के स्थान पर, स्थान पर यण आदेश, यण आदेश होता है, यण आदेश होता है। एक वर्ण कौन कौन से हैं तो देखिए, एक वर्ण जो ई से प्रारंभ हो, ई उ री और लरी, इनके स्थान पर क्या होगा यण वर्ण। स्थान पर यण वर्ण। अब यण वर्ण कौन से हैं जो य व र ल, ये सब क्या है, यण वर्ण है, य व र ल होता है, होता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण भी है कि हम टेबल बनाकर इसको समझ लेंगे कि कैसे यह होता है। तो ई जब आए तो उसके स्थान पर यह हो जाएगा, उ आए तो वह हो जाएगा, री आए तो रह हो जाएगा, और लरी आए तो लह हो जाएगा। यह अपने पास एक सिंपल सी टेक्निक है, इसके द्वारा हम उदाहरण कर लेंगे क्या वास्तव में ई के स्थान पर यह और उ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रह और ली के स्थान पर रह हो रहा है। तो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमने लिया अतय उत्तम, अतय उत्तम। इसका संधि भी छेद किया तो अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। अब आपको प्लस से पहले स्वर और व्यंजन वर्ण में ये वर्ण दिखाई दे, ई उ री लरी, तो आपको उसके स्थान पर क्या करना है, य व र ल, ये करना है। तो देखो प्लस से पहले ती में क्या है, ई। जब ती में से ई निकला तो तय क्या रह गया, हलंत। ई के स्थान पर क्या होगा, यह भी क्या है, हलंत है, इसलिए हम उतारेंगे ए, इस तय को ऐसे लिख देंगे, यह में ऊ जुड़ते ही क्या बन जाएगा, यू, और अंतिम अक्षर क्या बचा, तम। ये अत्युत्तम। कौन सी संधि है, यण संधि है।
ऐसे ही इसका उदाहरण है मधुवरी, तो मधुवरी का हो जाएगा मधुधन अरि, क्या बन जाएगा मधुवरी। प्लस से पहले दू में क्या है उ है, उ के स्थान पर व हो जाएगा और बन जाएगा मधुवरी। ऐसे ही अपने पास है तो बन जाएगा लाख करते। ऐसे ही हमारे पास बन जाएगा लिरीधन अनुबंध, बन जाएगा लनुबंध। यह हमारे यण संधि के उदाहरण देखे और बनाए। अब दूसरे नंबर की संधि है अयादि संधि। दूसरे नंबर की संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचओ आए वायाव। यह सूत्र क्या करता है तो एच वर्ण के स्थान पर, एच वर्ण के स्थान पर आए आय आव और आव आदेश होता है, आदेश होता है। टेबल से समझेंगे इसको, एक के स्थान पर आए, एक के स्थान पर आय के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पर आओ। जैसे जैसे नेदन अनम, पलस से पहले ही देखना है, इसमें भी पलस से पहले ने में क्या है ए है और ने क्या रह गया हलंत रूपी, एक के स्थान पर क्या होगा आए। जब न में ए जोड़ेंगे तो न क्या हो जाएगा पूरा, यह क्या है आधा। जब प्लस से पहले यह में ए जुड़ेगा तो यह भी क्या हो जाएगा पूरा, लास्ट में क्या बच गया नम, तो बन जाएगा नयनम। कौन सी संधि है अयादि संधि है, अयादि संधि। ऐसे ही दूसरा है नेदन अक है, बन जाएगा नायक। ऐसे ही सेदन अक है, बन जाएगा सायक। देदन अक है, बन जाएगा दायक। बोधन अक है, बन जाएगा भावक। पोधन अक है, बन जाएगा पावक। ऐसे खूब उदाहरण बन जाएंगे इनसे। अब बात करते हैं अगले वीडियो में, तीसरा हम पढ़ेंगे गुण संधि। और अगली क्लास में देखते रहना, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। नमस्कार मित्रों।